फ्रेकल्स की समस्या से अगर आप परेशान हैं, बहुत ज्यादा आपकी आउटिंग होती है और सनरेज आपको बहुत हार्म कर रही हैं और यहाँ पर आपको फ्रेकल्स की समस्या है, तो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक अमेजिंग वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ तनप्रीत और एनबीटी लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेकल्स को कैसे खत्म करना है ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले लेंगे हम 1 टीस्पून हल्दी, फिर स्क्रबिंग के पर्पस से लेंगे हम 2 टेबलस्पून शक्कर। तो ये 2 टेबलस्पून हमने शक्कर डाल दिया है, अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो क्योंकि ये ड्राई है तो आपको ड्राई ही रहने देना है। अब हम स्क्रबिंग के लिए कोई ब्रश का यूज नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा लेंगे टमाटर। अब इसमें हम टमाटर का जो रस है वो थोड़ा सा निचोड़ेंगे ताकि वो मीडियम मॉइस्ट हो जाए। ये देखिए इस तरीके से ये निचोड़ गया है। तो ये जो हमने टमाटर के ही गूदे से उसके रस से गीला किया था, अब इसी से हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि जब जैसे ही मिक्स हो और ये जो आपका मिक्सचर है वो आपके टमाटर पर ही लग जाए, कुछ इस तरीके से। तो टमाटर की ही मदद से हम इस पेस्ट को लगाएंगे। कुछ इस तरीके से हमें राउंड मोशन में स्क्रबिंग करनी है। ये उन एरियाज में लगाना है जहां पर आपको फ्रेकल्स की समस्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे नोज वाले एरियाज और ये जो चीक का एरिया, इसमें आप ब्लैक स्पॉट्स नोटिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेकल्स है तो मैं यहाँ पर इसे रब करूंगी और लगभग 5 मिनट के लिए मैं इसी तरीके से रब करती रहूंगी। इसका अगर मैं प्लस पॉइंट आपको ये बता दूं, टोमेटो से ही इसे रब करने का फायदा ये होता है कि पहली बात तो ये विटामिन सी रिच होता है, प्लस आपने हल्दी का यूज किया है और शक्कर लिया है तो वो आपकी ऑलरेडी स्क्रबिंग करे जा रहा है और जो फ्रेकल्स है वो आपकी डेड स्किन के वे में निकलेगा और जो लाइट कर देगा, आपके जो स्पॉट्स हैं जो बहुत डार्क है उसको, स्पॉट को लाइट करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम 5 मिनट इसी तरह से रब करते रहेंगे। तो इस तरीके से मैंने 5 मिनट तक रब कर लिया है, मेरी जो शक्कर थी वो पूरी तरीके से घुल चुकी है। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपके फेस पर अगर शक्कर घुल रही है तो वो आपको कुछ नेगेटिव इफेक्ट देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्क्रबिंग जैसे ही हो जाए आप इसे हल्का सा सूखने दीजिए और फिर जाकर ठंडे पानी से अपना फेस वॉश कर लीजिए। क्योंकि हल्दी लगी है तो फेस येलोविश हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फेस वॉश साबुन से या फिर फेस वॉश यूज करना है। आप बेसन आटा कुछ भी लीजिए ताकि वो हल्दी का जो येलोविश कलर है वो निकल जाए। ये सैलेड वाला टमाटर कितना उपयोगी है ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। क्या कमेंट्स है आपके इस वीडियो को लेकर मुझे जरूर बताइए, सजेशंस भी दीजिए ताकि अगर आपके पास कुछ फ्रेकल्स को हटाने के कुछ अलग तरकीबें हैं तो वो भी हम उस पर वीडियो बनाएंगे। लेकिन उससे पहले एनबीटी लाइफ को आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें।